फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे और कहां से भरना है, क्या क्या करना है आधार अपडेट के बाद, अब एकेटीयू छात्रों को और क्या क्या काम करना है जिससे आपको टैबलेट स्मार्टफोन मिल जाए, क्या आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, अगर करना है तो कहां से करना है, आधार अपडेट के अलावा भी कोई कुछ काम करना है या फिर बस वही करना है, क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन फ्री में लेना तो आपके वीडियो कंप्लीट, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे छात्रों का क्या पता आपके मन में भी डाउट होगा कि क्या एकेटीयू छात्रों को कौन कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म भरना भी है या नहीं भरना है, आधार कार्ड अपडेट कर आधार नंबर अपडेट करना है, उसके बाद क्या करना है। चलिए बिना देरी के बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी का कुछ फॉर्म ओपन हो रहा, वायरल हो रहा, और दोस्तों में फॉर्म भी रियल है, कोई फेक फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ बस इसकी कंडीशन ये है कि ये फॉर्म एकेटीयू का नहीं है, ये फॉर्म एकेटीयू के अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, या फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बट ये है भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, देखिए ताकि आप लोगों को फेक नलग में दिखा भी देता हूँ। ये देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, ठीक है। अब कई सारे मन में छात्रों में डाउट किया इस तरीके से, जिस तरीके से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी फॉर्म फिलअप करवा रही है अपना, या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ जिस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप करवा रही हैं, क्या एकेटीयू को भी उस एकेटीयू छात्रों को भी उस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप करना है, नहीं इस वीडियो में यही बात करेंगे। देखिए दोस्तों अब आप इसको समझिए, पहले मैं आपको एक जो है न्यूज़ पढ़कर सुनाता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया भी था वीडियो में कि उसमें क्या सूचित किया जाता है इस न्यूज़ में, कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश में जो भी जितने भी युवा सभी को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए टैबलेट या स्मार्टफोन जो है दिया जा रहा है, जिसकी योजना की 8 तारीख जो है नवंबर, यानी इसको रजिस्ट्रेशन करने की या फॉर्म भरने की या आधार अपडेट की जो भी आपको करना है उसकी डेट 8 नवंबर अभी रखी गई है, अब बढ़े ना बढ़े वो बात अलग है लेकिन बढ़ेगी, ठीक है, चांस यही है। अब आधार नंबर सही से अपडेट करना ये आपकी जिम्मेदारी है, अन्यथा आप ही जिम्मेदार होंगे, और अगर आपने आधार नंबर अपडेट नहीं किया तो भी आप जिम्मेदार होंगे, और एक कोई और नहीं केवल ये सिर्फ जो देख सकते डॉक्टर महोदय कह रहे हैं, तो इसलिए आप अब मैं किस इन छात्रों की बात कर रहा हूँ आपको कन्फ्यूज़ में नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ एकेटीयू के छात्रों की, तो एकेटीयू छात्रों के लिए क्या करना है, उनको केवल आधार नंबर ही अपडेट करना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये जो फॉर्म चल रहा है ये अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए फॉर्म फिलअप करना है, और बात करें एकेटीयू छात्रों की तो एकेटीयू छात्रों को केवल और केवल, देखिए मैं आपका टाइम नहीं, जो बात होती है ऑथेंटिकेशन वही, अब कई सारे जो है चैनल वाले आपको बता रहा होगा कि ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, यहाँ से करना है, ये वो करना है, वो करना है, देखिए जो ऑफिशियल न्यूट्रेस है, हाँ अगर बाद में भरना पड़े तो बात अलग है, लेकिन अभी जो न्यूज़ आई है वो यही है, ऑफिशियल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कोई इधर उधर पेपर वाले या फिर फेक वाले नहीं, ऑफिशियल न्यूज़ में केवल दो जो है सर्कुलर एकेटीयू ने जारी किया था, एक तो पहले एकेटीयू ने अपने जितने भी कॉलेजेस हैं उनको बोला, क्या बोला, जितने भी कॉलेजेस हैं उनको बोला कि आप जो छात्रों की डाटाबेस जमा करिए और इतने डेट तक जो है सबमिट करिए, और दूसरी नोटिस में एकेटीयू ने क्या बोला, एकेटीयू ने बोला छात्रों से और फिर कॉलेजेस से कि एक जो छात्र हैं हमारे यानी जो स्टूडेंट हैं उनके जो है डाटा यानी कि आधार नंबर को, उनके आधार नंबर को क्या किया जाए, उनके आधार नंबर को जो है अपडेट किया जाए एकेटीयू ईआरपी पे, कैसे अपडेट करना है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चलिए अब आप देख सकते हैं मैं एकेटीयू के पोर्टल पर आ चुका हूँ, अब देखिए दोस्तों मैं आपको जो भी बताता हूँ वो आपको पूरी 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 जानकारी देता हूँ, अधूरी जानकारी हमारी नहीं रहती है, दूसरी चीज़ जो भी हमारी होती है आपको ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती है, तीसरी चीज़ ये है कि आपको इस टाइम वीडियो कुछ कम मिल रही, मेरे पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं वीडियो बनाने के लिए, और हाँ मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो कवर करता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार दोस्तों एक्चुअली मेरे पास टाइम थोड़ा कम, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए आपको रात ही में वीडियो देखने को मिलती होगी मैक्सिमम, तो उसके लिए सॉरी यार। और देखिए मैं आपको ऐसा कोई टॉपिक जो है मिस नहीं करूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, खास करके एकेटीयू छात्रों के लिए, या फिर टैबलेट के रिगार्डिंग कोई ऐसी नोटिस हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैं उसको मिस कर दूँ ऐसा नहीं होगा। हाँ थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ अभी, और हो सकता है अभी हफ्ता 10 दिन थोड़ा बिजी ही रहूँ, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वही मैं आपको जो इस पे वीडियो पे चैनल अभी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगी, तो इसलिए आप जो भी वीडियो अपलोड उसको ध्यानपूर्वक सुन लिया करिए, बहुत ज़्यादा 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो होती है, एक वीडियो कभी एक दिन पे कभी 2 दिन में एक वीडियो अपलोड होती है। तो देखिए मैं यूट्यूब पोर्टल पर आ चुका हूँ, यहाँ से आप एक बार मैच कर लिए, क्योंकि यार देखिए 2 मिनट का आपका समय लगेगा, देखिए यूट्यूब प्रोफाइल पर आपको माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है, देखिए फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को अभी परेशान नहीं रहा, फर्स्ट ईयर वाले छात्र सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना है, तो आपको अपने कॉलेज में जाना, हो सकता है आपको एक फॉर्म भरने को दें वो, या हो सकता है आपको आपका रोल नंबर या ईआरपी पासवर्ड दे दें, तो दो ऑप्शन है, एक तो ये डिपेंड करता है फर्स्ट ईयर की बात करूँ चाहे लेटरल वाले चाहे फर्स्ट ईयर वाले हो, दो ऑप्शन
ऑप्शन, एक तो ऑप्शन ये है कि वो आपका एनरोलमेंट नंबर दे दें और आपको फॉर्म बता दें, दूसरा ऑप्शन है वो आपका जो है एक्टिव ईआरपी पे आपकी प्रोफाइल वगैरह बनाने का जो रोल नंबर वगैरह आपको दे दें जिससे आपका पासवर्ड वगैरह बन जाए, तो आप भी इस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते। तो दो ऑप्शन है, तो ऑफलाइन करेंगे या तो ऑनलाइन करेंगे। कॉलेज वाले आप अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि सर मैं फर्स्ट ईयर है और मैं टेबलेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना चाहता हूँ स्मार्टफोन के लिए, तो आप बता देंगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हमने बताया कि यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल पे आना है, क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं जो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है उससे पहले यानी कि सबसे लास्ट में आप जो आएंगे नीचे, तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार नंबर का, यही आपका मेन है। अगर आपने आधार नंबर अपडेट कर लिया तो वेरी गुड, अगर आपने नहीं किया तो आप अभी अपना आधार नंबर यहाँ से अपडेट करिए, यहाँ पर क्लिक करिए और आधार नंबर जो भी आपका यहाँ पर आप डाल दीजिए और डालने के बाद आप ना सेव कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको फालतू टाइम नहीं लूँगा। अब यहाँ से सेव करने के बाद आपका मैसेज आ जाएगा आपको कि आपकी जो है जो अभी आपकी डिटेल्स है उसको सहजतापूर्वक जो है सफल कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है सर, तो उसके बाद दोस्तों आपने इतना काम कर लिया, आपने अपना आधार नंबर अपडेट कर दिया, अब उसके बाद दूसरा अभी कोई फॉर्म भरने के लिए एक्टिव ने कोई नहीं बोला। अब जितने भी लोग कर रहे हैं सब फेक है, सब परेशान करना आपको, आप लोग अपना चैनल बना रहे हैं अब, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं कहूँगा, जो कर रहा है सो कर रहा है। ठीक, आप लोग खुद समझदार हो, होशियार हो। तो देखिए आपको केवल आधार ही अपडेट करना, अभी कोई फॉर्म भरने को एक्टिव की बात कर रहा हूँ, जिनको भरना हो भर दो, जैसे और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को भरने को बोला गया है, तो आप जितने स्टूडेंट हैं एक्टिव वाले तो आप लोगों को अभी केवल आधार नंबर ही अपडेट करना है, बाकी फॉर्म भरने की नोटिस अगर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं आई है। और दूसरी चीज़, आप किस यूनिवर्सिटी से हो ये वीडियो जो देख रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, उस हिसाब से जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़्यादा होंगे कमेंट करेंगे, हम उसी यूनिवर्सिटी की वीडियो ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब, कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।